नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अहमदाबाद में डिविलियर्स ने खेली तूफानी पारी। कल के मैच में यानी कि आईपीएल के 12वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 42 रनों में 75 रनों की नाबाद पारी खेली। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी डिविलियर्स की तूफानी पारी का गवाह बना। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के इस स्टार बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें सीजन के 22वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 5 छक्के और 3 चौके जड़े। डिविलियर्स ने 178.57 की स्ट्राइक रेट से रन बनाई। ये उनके आईपीएल करियर का 40वां अर्धशतक है। डिविलियर्स की पारी की बदौलत थी आरसीबी 20 ओवर में 171 रन बना सकी। विराट कोहली की टीम एक वक्त मुश्किल स्थिति में थी। 15 ओवरों में इसका स्कोर 4 विकेट खोकर 114 रन था। डिविलियर्स ने आखिरी के 5 ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाए। इस पारी के कारण आरसीबी आखिरी के 5 ओवरों में 57 रन बनाए। डिविलियर्स ने पारी के आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़े। उन्होंने मार्क स्टोनिस के इस ओवर में कुल 23 रन बनाए। डिविलियर्स ने ओवर की दूसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर सिक्स मारा। ऐसा रहा ओवर। डिविलियर्स को स्टोनिस की पहली गेंद वाइट रही। अगली गेंद पर डिविलियर्स ने बैकवर्ड पॉइंट को खेल कर 2 रन बटोरे। स्टोनिस की दूसरी गेंद पर डिविलियर्स ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्स चढ़ा। स्टोनिस ने तीसरी गेंद पर वापस फिर वैसी ही गेंद फेंकी। ओवर की चौथी गेंद पर डिविलियर्स ने पलटवार किया और फाइन लेग के ऊपर से शानदार सिक्स मारा। स्टोनिस की पांचवी गेंद पर 132.2 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार थी। इसकी इस गेंद पर डिविलियर्स ने छक्का जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद फुल थी। डिविलियर्स ने इस पर भी डाउन द पिच खेल कर 2 रन बटोरे। तो दोस्तों, इसी के साथ डिविलियर्स ने आज 5000 रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने इसके लिए 3288 गेंदों का सामना किया। डिविलियर्स आईपीएल के सबसे कम गेंदों में 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड डेविड वार्नर के नाम था। उन्होंने 3554 गेंदों का सामना कर 5000 रन जुटाए थे। तीसरे स्थान पर सुरेश रैना हैं, जिन्होंने इसके लिए 3620 गेंदों का सामना किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कल के मैच में दिल्ली और आरसीबी के बीच अभी थोड़ी ही देर में हाईलाइट मैच भी हमारे चैनल से आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आईपीएल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।